हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑटोमोबाइल सर्विस। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो किसके बारे में है कि जो आ रही है ना ऊपर, आप देख रहे हो ब्लू कलर की लाइट है टेम्परेचर वाली, तो इसका क्या कारण है आने का, तो उसके बारे में और क्यों आ रही है, इस गाड़ी में प्रॉब्लम भी है जिसके कारण ये आ रही है, तो ये सारा इस वीडियो में आपको आगे चलकर पता चलेगा। तो उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसी टाइम पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में हमारे पास आई है, तो जैसे तो होता है ना वैसे ये लाइट कब आती है कि जब 16 डिग्री से टेम्परेचर नीचे हो, यानी कि 60 डिग्री से नीचे हो टेम्परेचर, तो तब ये आती है। वार्म अप होने के बाद एकदम चली जाती है लाइट। लेकिन इस गाड़ी को मैं अभी ड्राइव भी कर रहा हूँ, काफ़ी मैं चला भी रहा हूँ गाड़ी को, लेकिन ये लाइट है ये जा ही नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो इसके आरपीएम भी मैं कितने दे रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है दोस्तों कि ये जब भी हम ड्राइव करते हैं या फिर स्टार्ट ही करेंगे ना थोड़ा, तो जब 60 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होगा तो अपने आप ये लाइट चली जाती है, लेकिन इस गाड़ी में जा नहीं रही। तो इसका मतलब कि इस गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो हम चेक करेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें स्कैनर लगाता हूँ। सबसे पहले स्कैनर लगाने के बाद इसका टेम्परेचर चेक करता हूँ। तो अभी मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रर हो रहा है लेकिन अभी आपको दिखाई देगा। तो आप टेम्परेचर देख सकते हो इसका 53-54, इतना ही है, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा। तो अभी तक वार्म अप हो जानी चाहिए थी गाड़ी, लेकिन हो नहीं रही, उसी वजह से ये लाइट है ये जहाँ पर ही शो कर रही है। तो अभी मैं इसका जो थर्मोस्टेट वाल्व है पहले सबसे वो चेक कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने इसका अभी कूलेंट निकाल लिया, सॉरी मैं उसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो स्किप हो गया मेरे से, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की उसकी। तो अभी मैंने इसका कूलेंट जो है वो निकाल लिया, निकालने के बाद इसकी जो थर्मोस्टेट वाल्व है उसका देखूंगा कि कहीं वो खुला तो नहीं रह रहा, कोई स्टक तो नहीं हुआ। तो आपके सामने ये इसका थर्मोस्टेट वाल्व, तो वही दोस्तों आप देख सकते हो ये खुला का खुला है, ये बीच में से बेंड हो चुका है, जिसके कारण ये वाल जो है ओपन का ओपन ही रह रहा है, खुला का खुला ही रह रहा है, जिसकी वजह से जो सर्कुलर है इसका कूलेंट का वो बस चलता ही जा रहा है, वो ये कर ही नहीं पा रहा कि उसको मतलब जैसे रोक के रखते हैं वो ही नहीं रख रहा। तो उसकी वजह से ये जो टेम्परेचर है मेंटेन नहीं हो रहा। तो अभी हम इसको कोई बात नहीं, इसको हम अभी क्या करते हैं, आपने ये तो देख लिया पुराने वाला कि क्या हो गया, इसकी हालत कैसी हो गई जिसके कारण टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ नहीं रहा, क्योंकि इसका ही काम है कि इसको जो कूलेंट को ना रोक के रखता है, बीच में तो चलेगा लेकिन जो रेडिएटर से सर्कुलर चलना था ना वो नहीं ये चलने देता, जब मतलब कि इसने बंद होना होता है तो ऐसे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये एकदम खुला रह रहा है, तो वो सर्कुलर चलता जा रहा है, गाड़ी हमारी वर्किंग टेम्परेचर तक पहुँच ही नहीं रही। तो अभी जो है नए वाला उसका भी आप प्राइस देख सकते हो, 330 रुपये है। थर्मोस्टेट वाल्व जो होता हमारा, उसको हम थर्मोस्टेट कैप भी वाटर की बोल सकते हैं, लेकिन थर्मोस्टेट वाल्व ज़्यादा आपको पता चल जाएगा, तो ये वो है। तो अभी इसकी भी हम पैकिंग खोलेंगे आपके सामने ही, तो हम नए वाला डालकर फिर चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या नहीं। तो आपके सामने मैं जो न्यू वाला है उसकी पैकिंग खोलता हूँ। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हो जो न्यू वाला है उसका भी जो देख सकते हो कि कैसा है, और पुराने वाले को भी मैं दिखाता हूँ कि उसकी हालत कंडीशन उसकी कैसी है। तो न्यू वाला वो आप देख सकते हो उसकी कंडीशन कैसी है, पूरा का पूरा इस टाइम पे वो बंद है, लेकिन ये देखो मैं कितना जोर लगा रहा हूँ लेकिन फिर भी ये ओपन नहीं हो रहा, इसका मतलब कितना ज़्यादा उसमें प्रेशर बनता है तो उसकी वजह से ही ये ओपन होता है। तो उसका भी मैं बताता हूँ, जब 88 डिग्री सेल्सियस पहुँचती है ना तब जे वर्किंग टेम्परेचर फिर जे वाल्व खुलता है। 98 पे वैन जो है वो ऑन होता है, 88 पे जे वाल्व खुलता है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो दोनों की कंडीशन, पुराने वाला और नए वाला जो है एकदम ओके, आप देख सकते हो कैसी कंडीशन में होता है, और जो पुराने वाला है उसकी कंडीशन आप देख सकते हो कैसी है। तो आपको पता चल गया कि जो अगर गाड़ी ठंडी रहती है, पहले जे जो कूलिंग वाला था ना ये नहीं आता था, तो हमें
पता ही नहीं चलता था कि गाड़ी हमारी ठंडी भी रहती है या नहीं, क्योंकि वर्किंग टेम्परेचर उसी टाइम पे वहाँ पे रहेगा। तो वो कई बार ये भी सोच लेते थे कि इसमें कौन सी लाइट आ रही है, लेकिन अभी क्या है, ब्लू कलर की लाइट आ जाती है अगर टेम्परेचर कोई 60 डिग्री से नीचे रहेगा तो उसमें लाइट आ जाती है। तो मेरे पास ये दूसरा केस आया है ऐसा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको इस बारे भी थोड़ा सा मैं नॉलेज दूँ कि इस ये भी लाइट आने का क्या क्या कारण होता है। ठीक है, एक तो वो वर्किंग टेम्परेचर की लाइट है कि जब वर्किंग टेम्परेचर पर पहुंच जाएगी तो अपने आप वो चली जाएगी, लेकिन अगर नहीं जाती तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से ये लाइट आ रही है। तो वो आपके सामने ही है कि क्या कारण है, इसका जो वाल है वो ओपन का ओपन ही रह रहा है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी हम इसको जो न्यू वाले को है उसकी फिटिंग करते हैं। ठीक है, तो उसकी फिटिंग करने के बाद फिर उसको देखेंगे कि मतलब कि वो उसका जो टेम्परेचर की सही होता है या नहीं होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने प्रॉब्लम अगर नहीं होती जहाँ पे तो फिर हम मानते कि कोई और प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो तो आपको दिखाई दे रही है। तो अभी इसको फिट करते हैं अच्छे से, तो फिटिंग करने के बाद फिर इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो आप इसका जो सील है वो देख लेना कि अच्छे से बैठी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है, जे बैठनी तो बैठेगी तो फिर ही जे सही रहेगा। तो अभी आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रहा हूँ इसको, तो आप भी ऐसे करके लगा देना इसको। तो और तो कोई नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सीधा ही आप ऐसे ही कर सकते हो। तो लगाने के बाद उसके ऊपर जो है फिर इसकी एल्बो वो लगा देना। तो अभी जे तो फिट कर दिया बीच में, तो अभी एल्बो जो है इसकी वो मैं फिट करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कोई मतलब है मुश्किल वाली ये बात नहीं है, आप आसानी से इसको खोल भी सकते हो, फिट भी कर सकते हो। इसमें कोई मतलब ज़्यादा नहीं है कि बहुत लगेगा जहाँ और ज़्यादा कोई इसकी खोलनी पड़ती है फिटिंग, बस दो ही ये बोल्ट ऊपर लगे और नीचे से वो है, आप देख सकते हो पहले कूलेंट निकाल लेना तो उसके बाद में ये करना। तो कूलेंट वाली मैंने आपको बोल ही दिया कि मेरे से स्किप हो गई, लेकिन अभी मैं फिल्टर जब करते हैं वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो पहले उसको लगा लिया हमने थर्मोस्टेट वाल को, उसके बाद में अभी एल्बो लगाने वाला हूँ। लेकिन इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसमें ना जो एना बोर्ड है मेरे पास तो मैं वो लगा रहता हूँ, आप सिलट भी एक आती है मरुति से वो भी लगा सकते हो, एना बोर्ड भी, जिससे भी ये चिपक जाए कि बाद में ये निकले ना। ठीक है, तो वो आप लगा लेना। तो अभी मैं लगा रहा हूँ, तो आपके सामने एना बोर्ड है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो कैसी होती है। मतलब ये ओरिजिनल है, ठीक है, MGP की है, तो जो उसमें आती है जहाँ सिलेंट ट्यूब जहाँ फिर आप इसको एना बोर्ड को लगा सकते हो। तो अभी ये रही एना बोर्ड, भी आप देख सकते हो लिखा है ना उसमें सिलिकॉन सिलेंट। ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हो या फिर वो भी, तो जो आपको आसानी से मिल जाए आप वो लगा लेना, कि जिससे साथ ये थोड़ा सा मतलब सील जो है बन जाए कि निकले ना। ठीक है, तो वो अभी हम लगाने के बाद इसके जो ऊपर वाले बोल्ट हैं वो लगा देते हैं, तो वो भी 10 नंबर के दो बोल्ट हैं, तो वो भी आसानी से आप लगा सकते हो और खोल भी सकते हो। ठीक है, जैसे आपको सही रहे आप कर सकते हो, आसानी से मतलब लग जाएगा, कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको प्राइस का भी मैंने बता दिया कि ओरिजिनल जो है ना थर्मोस्टेट बाल 330 रुपये का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो आप ये भी कर सकते हो। कई लोग पता क्या करते थे, पहले जैसे गाड़ी हीट होती थी ना ज़्यादा, तो वो यही जो बाल था ना वो निकाल देते थे, तो उसके कारण फिर क्या होता था, गाड़ी ठंडी रहती थी, गर्म होती नहीं थी। पुराने जो मैकेनिक लोग हैं ना वो ऐसे ही करते थे कि इस वाल को पेट्रोल गाड़ी से निकाल देते थे, कि जिसकी वजह से वो सर्कुलर जो है उसका लगातार ही चलता जाता था, गाड़ी जो है हीट नहीं होती थी, तो जिस जो अगर हेड गैस्केट सड़ा भी हो तो थोड़ी देर और चल जाता था, तो जो कस्टमर था वो भी खुश हो जाता था, चलो ठीक है जी हमारा जो पैसे वो बच गए, इसने सही करती गाड़ी। लेकिन वो यही करता था, वो बाद में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी, तो इसलिए आप इसको मत ही निकालो। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको चेंज कर दो, नए वाला डाल दो। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसकी भी अभी ऑलमोस्ट जो फिटिंग मैं कर रहा हूँ, तो बस थोड़ी देर में इसकी फिटिंग हो जाएगी, तो हम फिर से इसके इसमें ना स्कैनर लगाएंगे, तो फिर से इसका टेम्परेचर चेक करेंगे कि टेम्परेचर कितना अभी बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, लाइट जाती है या नहीं जाती है, वो हमें बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, आप बस वीडियो के साथ बने रहना, और अगर प्लीज़ कोई भी मतलब होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जैसे मेरे बताया ही है कि मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक है, आप वहाँ पे भी मेरे को DM कर सकते हो, या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो,
मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं करता कि नहीं उसका रिप्लाई, थोड़ा लेट हो सकता है कभी अगर मैं बिज़ी हूँ तो, वैसे तो अदरवाइज़ मैं उसी टाइम पे उसका रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों साथ में अगर वीडियो अच्छी भी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल पे भी नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस ऐसे ही आपका बस प्यार चाहिए, तो और कुछ भी नहीं। तो बस आप देख लो कि अगर कोई भी आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो कोई बात नहीं, मेरे को बता देना, मैं जितनी जल्दी हो सकता है आपको वो भी वीडियो अरेंज करके बना दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो इसकी भी जो फिटिंग है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अभी इसके बाद में हम कूलेंट डालेंगे, कूलेंट डालने के बाद इसका जो है टेम्परेचर वो चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब मेरा ये यही कोशिश होती है कि मैं पूरी डिटेल में बताऊं कि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, कि बस एक बार वीडियो देखी उसके बाद में। अभी देखो मैंने इसको टाइट कर दिया, ठीक है, नीचे से जब मैंने खोला था ना, इसकी जो टूटी भी बोल देते हैं तो उसको खोला था, तो उसके बाद में उसको टाइट कर दिया। तो टाइट करने के बाद इसका जो कूलेंट निकाला था मैंने, अभी मैं वो डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि पूरी डिटेल में बता दूं कि बाद में आपके आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई भी मैं बीच में से कोई भी स्किप नहीं करता, बस पूरी की पूरी कोशिश करता हूं। तो अगर स्किप कर भी जाऊं, जैसे अभी कूलेंट जब निकाला था वो मैंने बताया ही नहीं आपको, मतलब कि निकाला भी था तो उसकी वीडियो बनाई नहीं, तो इसकी वजह से मैंने आपको ब्लो बोल दिया कि पहले आपने कूलेंट निकालना है उसके बाद में करना, क्योंकि अगर आप कूलेंट नहीं निकालोगे तो थर्मोस्टेट वाल्व से वो कूलेंट बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले कूलेंट निकाल लेना थोड़ा, तो उससे आपको मतलब ये परेशानी नहीं आएगी कि वहाँ से कूलेंट निकलेगा। तो अभी आप देख भी सकते हो जैसे मैंने वो निकाला था थर्मोस्टेट, एकदम सूखा पड़ा था, नहीं तो वहाँ से कूलेंट ही लीक होता, तो ये कारण था कि मैंने पहले जो इसका कूलेंट निकाल लिया। तो अगर नहीं निकालोगे तो फिर वहाँ से निकल जाएगा, जितना भी मतलब ऊपर होगा ना वो निकल जाएगा। तो अभी हमने उसकी भी कूलेंट भी डाल दिया, अभी हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देख सकते हो लाइट भी चली गई, अभी मैंने स्टार्ट ही की थी गाड़ी तो कितनी जल्दी जल्दी, देखिए ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी इसका जो टेम्परेचर है वो ऊपर की साइड पे जा रहा है, यानी कि अभी देखिए कितनी जल्दी 70, 72, ठीक है 73, कितनी जल्दी बढ़ रहा है। लेकिन अगर पहले आप देखते तो पहले तो ये बढ़ ही नहीं रहा था, ठीक है, तो 53, 54 ऐसा ही जा रहा था जितने मर्जी मैं एक्सीलेटर दे रहा था। तो अभी देखिए हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक किसके कारण थी, उसके वाल्व के कारण। तो वाल्व जब हमने चेंज कर दिया उसके बाद में फिटिंग की, तो हमारी जो गाड़ी एकदम ओके हो गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।